दोस्तों एक बहुत ही मशहूर कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, लेकिन हम सीए स्टूडेंट्स के लिए तो वेयर देर इज अ विल देर इज अ मे। जी हाँ दोस्तों, आईपीसीसी के लिए मैं ग्रुप वन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ गया हूँ। आईपीसीसी ग्रुप टू के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ग्रुप वन का टॉपिक्स हम इम्पोर्टेंट इमीडिएटली अभी डिस्कस करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, 30 डेज में अगर आपको पढ़ना है तो कैसे कंप्लीट करना है। हालांकि अभी 30 डेज से ज्यादा है, 17 अप्रैल को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 30 डेज से ज्यादा है, फिर भी 30 डेज अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे, सिर्फ एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो ग्रुप वन, यू विल 100% क्लियर इट। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना, अभी से आप सिंसियरली पढ़ाई चालू कीजिए। ग्रुप वन में है 4 सब्जेक्ट आईपीसीसी के, प्रिपरेशन टाइम 30 डेज दे रहा हूं मैं, 15 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा भाइयों और बहनों, उससे कम तो आप पढ़ नहीं सकते, इट विल बी अ टोटल क्राइम। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से है अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। कॉस्टिंग लेंदी सब्जेक्ट जरूर है लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थियरी सब्जेक्ट जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ हर वीडियो में, आप सुबह सुबह उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेक्शन मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार है समझने के लिए। पहला टॉपिक आता है अपने पास अकाउंट्स का। अकाउंट्स दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही न्यूट्रल है, अगर आप अच्छा पढ़ के जाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स 100% आएंगे, अच्छा नहीं पढ़ के जाते हो तो नहीं आएंगे। इसमें लेंदी शॉर्ट ये सब कुछ भी नहीं होने का है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड सेट ऑफ पेपर आता है, वही आपका हर साल रिपीट होगा वैसे ही पैटर्न का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि सेक्शन 1 है, सेक्शन ए है आपके आईपीसीसी अकाउंट्स में, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द बेसिस, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स पर खासा ध्यान दें आप, क्योंकि अगर ये 3 टॉपिक आपके परफेक्ट हो गए तो यू आर ऑलमोस्ट थ्रू, आपके 40 मार्क तो कहीं नहीं जाएंगे। 40 से आगे जो आपको 50 और 60 लाना है उसके लिए आपको बाकी चीजों पर भी एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड ऑल दी अदर आइटम्स। दोस्तों 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करके आना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ोगे तो आराम से आप ये पूरा कंप्लीट कर पाओगे अगले 30 से 40 दिन जो बच गए हैं आपके लिए विथ रिवीजन। डू नॉट स्किप एनीथिंग, इवन 1 मार्क कैन बी लाइफ चेंजिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पड़ रहा है क्योंकि आप अभी एग्जाम्स लिख रहे हो, सो प्लीज डू नॉट टेक एनी चांस, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दोस्तों कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में मजे की बात यह है जो एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पार्ट है, इट इज वेरी 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 इजी। एंड अगर आप लास्ट 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के क्वेश्चन पेपर, आरटीपीज ये वो सब पढ़ लेते हो, देन देर इज नो स्कोप फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चंस बियॉन्ड दैट। बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मुझे लॉ में 63 या 64 आए थे जब मैंने पीसीसी लिखा था अपने टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन की वजह से आए थे मुझे, बिकॉज आई वॉज परफेक्ट इन माई एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो पहले उस पर फोकस कीजिए, आराम से उसको पढ़िए, इट इज वेरी इजी, यू विल स्कोर रियली वेल इन लॉ, एंड लेट दिस बी योर सब्जेक्ट विच सीज यू थ्रू इन ग्रुप वन। कंपनीज एक्ट ऑफकोर्स, बाकी 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आएगा, इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप कंपनी लॉ खत्म करोगे, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद जो बोनस ईपीएफ ग्रेच्युटी एक्ट है आप उनको खत्म करोगे। छोटे छोटे एक्ट है बोनस ईपीएफ एंड ग्रेच्युटी एक्ट, फटाफट भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। मगअप मत करना दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करना एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशली। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको इजी रहेगा खुद के वर्ड्स में आंसर लिखना, इवन इफ देयर इज अ केस स्टडी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन या थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तभी भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हुए तो इट विल बी इजी। स्टोरीज मत लिखना प्लीज, लॉ में कौन एडिशनल शीट लेता है यार, मैंने सुना है लॉ में लोग एडिशनल शीट लेते हैं, वो एडिशनल शीट लॉ में ले रहे हो इसका मतलब ही ये है कि आप कचरा लिख के आ रहे हो। आई थिंक मेरा लॉ पेपर शायद 15 या 20 पेजेस भी नहीं लगे होंगे शायद, मेरे को जहां तक याद है, क्योंकि सेक्शंस जो आपको कंपनीज एक्ट में लिखना है वो तो बस सेक्शन लिख के आंसर लिखना है, छोटा छोटा एक पैरा का आधा पैरा का उतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। सो डू नॉट राइट स्टोरीज, कोटिंग सेक्शंस इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सेक्शंस के बारे में प्लीज कोट करके मत आना। गलत सेक्शन इज इवन वर्स देन नॉट कोटिंग अ सेक्शन, याद करने की कोशिश कीजिए सेक्शंस को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स। नेक्स्ट आ जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। दोस्तों इस पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, इस वीडियो के एंड पर प्लीज नीचे कमेंट्स में मैंने एक लिंक छोड़ा है अपने नए चैनल का, वहां पर जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत, इट विल बी रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियोस मदद आ रही है, हेल्प लग रही है जो भी मैं कर रहा हूं, तो प्लीज वहां पर सब्सक्रिप्शन करके अपना जो सपोर्ट है वो दिखाइएगा मुझे।
कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों इसी ऑर्डर में पढ़ना है आपको, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन वेटेज। 50-50 मार्क्स के आएंगे कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए इस ऑर्डर में पढ़ना है, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर वेयर द मार्क्स आर एलोकेटेड एट द मैक्सिमम टू मिनिमम। बेसिकली क्या है, ऐसा स्कीम है कि ये जो मार्क्स की वेटेज है, मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कहां से लेता हूँ, सीए की वेबसाइट है, सीए की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहां पर बकायदा उन्होंने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज वेटेज दी हुई है, मैं वहीं से लेकर ये डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। सो एज पर आईसीआई गाइडलाइंस दिस इज वॉट इट इज, मोर और लेस इट शुड बी फॉलोड बाई आईसीआई, इसलिए आपको प्रिपरेशन में भी मदद करेगी ये जो स्कीम है या ये जो गाइडलाइंस है। अब इसके अगर कुछ अलग आईसीआई दे देती है, जो कि दे भी सकती है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की ऐसा ही देगी, देन वी हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। व्हेन आई से कि आप पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्ट बी और पार्ट सी पढ़ के ही नहीं जाओ, सिर्फ पार्ट ए पढ़ के चले जाओ, दिस विल नॉट गेट यू एनी वेयर। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मेरे जो स्क्रीन्स है उसका स्क्रीनशॉट्स लेकर आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए, आपको कभी भी रेफर करने में मदद आएगी, या यू कैन मार्क इट इन योर बुक एज वेल कि कौन से ऑर्डर में पढ़ना है। दोस्तों अगेन ग्रुप टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जो ऑर्डर है अगर आपको मेरे हिसाब से दिन में हर सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, हर चैप्टर पढ़ना चाहिए, हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए सॉरी, अगर आप ग्रुप वन कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंड अगर आप दोनों ग्रुप्स पढ़ रहे हो तो भी आप हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ऐसा मत करना कि हाँ पहले अकाउंटिंग कर लेता हूँ 10 दिन, उसके बाद दूसरा करूंगा, उसके बाद तीसरा करूंगा, वो गाड़ी कभी चलती नहीं, वो स्कीम कभी सक्सेसफुल नहीं होती। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद, कॉस्ट अकाउंटिंग में थियरी भी पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थियरी जरूर पढ़ के जाना। दोस्तों चौथा चैप्टर, चौथा सब्जेक्ट जो है आपका, वो है अपना टैक्सेशन। उसका मैंने कोई ब्लूप्रिंट बनाया नहीं या उसका कोई मैंने वेटेज स्कीम बनाया नहीं, क्योंकि मोर और लेस ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर इक्वल वेटेज, एंड टैक्स में से वो करीबन सब कुछ पूछ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत करके 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क, कुछ ना कुछ करके सब कुछ तो पूछ ही लेंगे टैक्स में से। सो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा इंटेंसली प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनडेप्थ प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेंदी हो सकता है थोड़ा, इसलिए आप उसको दिन में 4 घंटे अलॉट कीजिएगा। 4 घंटे आप अलॉट करोगे तो आप जस्टिस कर पाओगे टैक्सेशन को। अदरवाइज मेरे हिसाब से पेपर्स आईपीसीसी के थोड़े सिंपल होने चाहिए, बिकॉज बस ये लास्ट अटेम्प्ट में से है, पेपर सिंपल होने चाहिए, पास परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। सो इफ यू पुट इन हार्ड वर्क इवन फ्रॉम नाउ यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे दूसरे चैनल को जिसका लिंक है नीचे उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही आपकी मदद मिलेगी मुझे, एंड पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मैं हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डू वेल।